हे गाइस, वेलकम टू साइकोनेस। आई होप यू डूइंग वेल। तो एक और अच्छी अपडेट आपके लिए हाई कोर्ट काउंसलर की तरफ से है। इसमें पे आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है और ड्यूरेशन पूरा 1 ईयर का आपको मिल रहा है, जिसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इससे पहले जो अपडेट दी थी मैंने, हाई कोर्ट काउंसलर ऑफ नैनीताल, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट भी आ गई है। मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे अपडेट डाल दूंगा। तो टोटल 168 बच्चे उस फॉर्म के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। उनका इंटरव्यू आई थिंक 19 या 18 सितंबर से स्टार्ट नैनीताल में, ठीक है। तो अभी इस वीडियो बात करें तो यहाँ पर भी काफी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट जो है आपकी अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आते हैं, सबको पता है बेसिकली। स्टार्टिंग पीरियड 1 ईयर का रहेगा और वो रिन्यूड हो जाएगी, ठीक है। आपका इफेक्टिव अगर सर्विस रहेगी तो आपको 1-2 साल 3 साल तक आप इसमें कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत आपको इसमें है नहीं बेसिकली काम करने की। जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि काउंसलिंग वगैरह करनी है, सिंपल सी। कहाँ से पोस्ट आई है पहले वो बात कर लेते हैं। तो पोस्ट आई है आपकी रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर, पार्ट टाइम पोस्ट है, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे नागपुर बेंच के अंदर ही पोस्ट निकली है, बॉम्बे नागपुर बेंच, जिसमें 5 पोजिशन रखी है इसमें इन्होंने। और 23 सितंबर लास्ट डेट है। 5,000 रुपये यानी कि 5,000 फॉर एवरी 3 ईयर। तो महीने में आपके 10 दिन तो मिनिमम बुलाते ही आपको काउंसलिंग के लिए, क्योंकि केसेस काफी ज्यादा हैं कोर्ट के पास। तो 10 दिन बुलाएंगे तो 50,000 आपका मंथली पे इसमें बन जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इनके ऑफिस कॉन्टेक्ट पर ईमेल करके अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो भाई, सब कमेटी हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे नागपुर बेंच के अंदर ही पोजिशन निकली हुई है, जिसमें काउंसलर की हायरिंग हो रही है। 5 काउंसलर मांगे हैं, मेल और फीमेल, बहुत बहुत इसमें एलिजिबल है बेसिकली। क्वालिफिकेशन की बात करें, देखो हर जगह सोशल वर्क एलिजिबल होता है, नैनीताल कोर्ट में भी था, लेकिन जो बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच के अंदर, जैसे फैमिली काउंसलर में एमएसडब्ल्यू था हाई कोर्ट बॉम्बे में, लेकिन जो बेंचे वाई वैकेंसी, जो बेंचेस की वैकेंसी आ रही है, औरंगाबाद बेंच की आई थी, नागपुर बेंच की आई है, वहां पर ओनली ये साइकोलॉजी वाले को ही हायर कर रहे हैं। तो द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट एमए इन काउंसलिंग या फिर एमएससी इन काउंसलिंग करीगा एलिजिबल क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो लास्ट टाइम जो औरंगाबाद में आई थी उसमें सिंपल मैं कहा था, अगर जनरल साइकोलॉजी करी को ना अप्लाई, जिन्होंने करा उनके शॉर्टलिस्टिंग में उन्हें कॉल भी आ गया। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने सिंपल एमएस जनरल साइकोलॉजी करा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। काउंसलर की पोस्ट किसी भी एनजीओ हेल्थ प्रोजेक्ट काम करो, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और जब मेंशन, देखो आपको बस इसमें सीवी भेजना है, तो सीवी में जब लिखोगे काउंसलर का जॉब डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो वहां पे लिखना है कि आपने फैमिली थेरेपी भी करी है, आपने कपल काउंसलिंग भी करी है, तो तभी आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। और पढ़ के चल जाना, कपल कपल फैमिली काउंसलिंग क्या होती है, फैमिली थेरेपी क्या होती है, ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह पढ़ जाना इंटरव्यू में। तो ये क्वालिफिकेशन हो गई। मराठी जो है वो मैंडेटरी नहीं है, हिंदी में सबको आनी चाहिए। और जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि कंडक्टिंग ग्रुप काउंसलिंग करनी है आपको, डॉक्यूमेंटेशन का वर्क डेफिनेटली रहेगा कि कोर्ट की पोस्ट है, ठीक है। और जो भी फैमिली डिस्प्यूट्स हैं और जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है, चाइल्ड डिस्प्यूट्स कपल्स के बीच में, उन सबको। और जो आपका सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन है वो कैसे, देखो अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप डिजीज कैंडिडेट हो, तो आपको अपने पास रेज्यूमे भेजना है, किसमें hcnag.legalservices@gmail.com पर, इस पर अपना, इस ईमेल आईडी पर अपना आपको बस सीवी भेजना है, बस हो गया। और लिख देना कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सब्जेक्ट लाइन में एप्लीकेशन फॉर द काउंसलर एट हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे नागपुर बेंच नागपुर, ये लिखोगे आप जो इनवर्टेड कॉमा में, या आप ईमेल में मेंशन करोगे। इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा 23 सितंबर लास्ट डेट। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो क्वेरी के लिए ईमेल आईडी भी दी हुई है, बस इतना ही, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। और जो एक पोस्ट और बताई थी मैंने, ये औरंगाबाद वाली पोस्ट मैंने आपको बताई थी, तो इसके ऊपर काफी बच्चों को रिप्लाई आ भी गया है। देखो 25 सितंबर लास्ट डेट है, लेकिन उससे पहले ही रिप्लाई आ गया काफी बच्चों को, तो इसकी में भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी अप्लाई भी डेट कितनी, 25 सितंबर है। तो जब ये वेबसाइट में जाओगे आप हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे की, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये हाई कोर्ट बॉम्बे की ये वेबसाइट खुलेगी, आप सर्च करोगे हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, तो यहाँ पर देखो रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद रिक्रूटमेंट नोटिस खुल जाएगा जहाँ पर पोजिशन होंगी। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एंगेजमेंट काउंसलर पार्ट टाइम एट हाई कोर्ट बॉम्बे बेंच नागपुर एंड औरंगाबाद। तो अभी और भी डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्ट आएंगी महाराष्ट्र के, अब और भी पोस्ट आएंगी यहाँ पर। तो औरंगाबाद की डेट चल रही है, ठीक है, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं और अभी डेट भी बाकी है। नागपुर में भी वैकेंसी निकल गई है, तो यहाँ पर अप्लाई अप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ पर देखो नागपुर बेंच में पोस्ट ऑफ क्लर्क की पोस्ट भी निकली हुई है, तो आप चाहो तो अगर इसकी डेट है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो क्लर्क वाली पोस्ट में, ठीक है। ये परमानेंट पोस्ट आपकी है ही क्लर्क की, तो इसकी डेट देख लेना,
क्या है क्या चीज नहीं है या डेट है या नहीं है, तो सब कुछ इसमें आपको अपडेट मिल जाएगी। बाकी इन सबके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको आराम से अप्लाई कर लेना। बाकी जल्द मिलते हैं हम लोग एक और अच्छी अपडेट में, तब तक थैंक यू सो मच गाइस।